अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स सब खैरियत से होंगे। और मैं हर चीज़ इतना मुझे हो गई खुद एक्साइटेड, क्योंकि मैं जो चीज़ करती मैं कहती मुझे शेयर करना है, क्योंकि अब मेरा अपना चैनल है, आप लोग इतने अच्छे मुझे कमेंट्स दे रहे होते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे अंदर ये होता नहीं मैंने ये भी शेयर करना है, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना है, बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। तो खैर आज की जो वीडियो है, क्योंकि इस वक्त जो है सुबह से लाइट गई थी और अभी आई शाम के 6 बजे, मैंने कहा मुझे अब जाके शॉवर लेना है, तैयारी करनी है, फिर आपको फाइनल लुक। मेरा जोड़ा बनकर आ गया है, तो ये आप देखें अलीजे वाला जो जोड़ा था नीला, आप लोगों ने कहा था अंबर जब बनकर आए तो ये, अब मैं इसको रख रही हूँ, फिर शबाना आपको सब शबाना पहले तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये देखें जी, अब तुम करीब दिखाओ, करीब से रहा था व्यूअर्स को मज़ा आए। अच्छा देखिए शबाना जो है करीब से देखो, यहाँ से लाओ, ये देखिए जी बिल्कुल सही, बहुत करीबी नहीं। ये मैंने ये काम, ये मैंने यहाँ लेस लगाई है, ये लेस, फिर ये दूसरी लेस है, फिर ये तीसरी लेस है, ठीक है। ये वाली लेस मुझे मिल गई थी, मैंने आपको दिखाई थी ना कि डायमंड टीज वाली, ये अच्छा ऊपर ये लगाई है, ये वाली लेस है, इसमें एक चीज़ है, ये देखें साइड में, साइड में ये डालें, अलीजे का भी था, अलीजे का क्योंकि घेर कम था मैंने दोबारा खुलवाया, मुझे चैन नहीं पड़ा, साइड है अलीजे खुलवा कर फिर मैंने उस पर भी ये दिए हैं, ये देखें मोती, उस पहले नहीं थे मैंने अब लगवा लिए, अपने भी लगवाए और अलीजे के आगे भी, और ये देखें ये पीछे भी, ठीक है। अभी आपको बैक कर दिखाती हूँ, ये अच्छा आस्तीन है, देख लें आस्तीन है, ये देखें ठीक है, दो दफ़ा ये दी, ये लेस दी और ये लेस दी, अच्छा। और फिर अब बैग दिखा रही हूँ आपको मैं, बैग भी मैंने फिर अली, ये उस दिन अलीजे की बैग नहीं बनी थी, मैं इसलिए करवा के लाई हूँ ताकि मुझे इसलिए ना करना पड़ा, और मेरा हुलिया से अंदाजा लगा सकते हैं, फिर मैं कोई बात नहीं, अपने व्यूअर्स हैं कई दफ़ा आपने देखा ऐसे हुलिये में, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये पीछे ना ये मोटिफ, ये देखिए बैग पे भी लेस आई, ये मैंने गोल गला करवाया है, ये मोटिव को अप्लीक कराया है, और ये नीचे पीछे भी लेस आई है, ठीक है। अब आप एक दफ़ा गौर से तो मैं पहन के आपको दिखाऊंगी कि ये, ठीक है, ये हुआ। अब पजामा ये लोग देख लिया आपने, दिख रहा है शबाना सही है, ओके, ये हमने यहाँ रखा क्योंकि ये जो है ना ख़राब ना हो मेरा इस्त्री, टाइम नहीं है। अच्छा देखिए कि मैंने पहले ही लेस ले ली थी, मैंने अपने पैंचे ये मैंने लेस ये ली है क्योंकि लंबा है तो बस मुझे इतना दिखेगा, ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये ली है, ये देख सकते हैं ये लेस है। अब रहा दुपट्टा, मैं भूल गई थी तो हाँ बैठी रही, फिर वहाँ करीब से ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो ये दुपट्टा क्योंकि ज़रा फूला फूला रहता है ना, तो वेट देने के लिए मैंने इस पे ये लगा लिए थोड़े से, ये देख रहे हैं ये बट ये थोड़े से, ये पूरा दुपट्टा कितना अच्छा देखें, सफाई से अप्लीक हुआ, ये सब पट्टी थी, ये सब देखे लगवाइए, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये सब ये देखें, ठीक है, और ये देखेंगे तो थोड़ा सा वजन हो गया। अब इसको जो है, अब मैं आपको आपके साथ मैं ये भी शेयर कर रही हूँ कि मैं इसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूं। अच्छा जूते भी, ये देखें जूते मैंने तीन रखे हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ, आई थिंक जा तो ये रहे जूते, वैसे का देखा जाए ये भी पहन सकते हैं, ये मैंने अभी तक नहीं पहने, ये बहुत दफ़ा पहन चुकी हूँ, और ये भी हालांकि ब्लैक बॉर्डर कर रहे हैं लेकिन हो सकता है मैं ये भी पहन लूँ तैयार होने के बाद, फिर मैं देखूंगी कि मुझे ये, क्योंकि ये पैर आएगा तो ये छुप जाएंगे, तो ये मैं पहन के भी दिखाऊंगी आपसे, ठीक है ना, कि अब तुम करी करें, ठीक है। अच्छा देखिए अब मसला ये है कि ये है, अब मैं सोच रही थी, पहले मैंने सोचा कि मैं अगर ये पहनूं, मैंने कब से नहीं पहना कॉन्ट्रास्ट, देखो शबाना तो हाथ का है, सबर दिखा रही, ये ऐसा है और ये गले का है, ठीक है, ये देखें
एक सेकेंड मैं आपको यहाँ रख के दिखाती हूँ जोड़े पर, ठीक है? ये देखो चबाना, ठीक है? या फिर देखें चोकर, अभी पता नहीं ये चोकर भी मैं पहन सकती हूँ गले पे, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर इसलिए नहीं आ रहा समझ में, इसको मैं आराम से रखूँ कि अच्छा ये पहनूँ, फिर साथ में ये भी थे कि अगर मैंने टॉप्स पहनूँ, ये देखें अगर मैं टॉप्स पहनती हूँ, ये अलग अलग टॉप्स हैं, तो इसके साथ मैंने सोचा कि मैं लंबा भी, मैं कह नहीं लंबा माला, ये देखें आप इसके साथ मैं ये लंबा माला, ये देखें ये सब मैंने खुद ही बनवा के रखे थे, ठीक है ना? अच्छा ये मगर पता है, अब पता नहीं तो मुझे आप लोग कहेंगे मुझे टीका लगाना, मेरा दिल चाह रहा है टीका लगाने का, अगर टीका लगाऊंगी तो फिर गले में नहीं पहनूंगी, टू मच ओवर लगेगा। और आज है निकाह, ठीक है? तो देखिए ये भी है, अगर मैंने कलर डालना है, ठीक है? ये देखिए वैसे ये भी जा रहे हैं, कोई कन्फ्यूज, ये भी है। अच्छा फिर मैंने सोचा नहीं फिर ये भी है, अगर मुझे पूरा डायमंड के पहनने, अच्छा मैं पता मेरा दिल क्या आ रहा है अभी नहीं बता रही कि बताती हूँ, ये देखें ये भी हैं शेल के। मेरा दिल जो मैं सोच रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये टीका लगाऊं और साथ में ये झुमके, मैंने अक्सर बहुत पहने झुमके, ये वाले झुमके, ये क्योंकि आई थिंक ब्लेंड हो रहा है इसके साथ, देखेंगे आ? ये देखें ये, अब थोड़ा पहन कर इतने पहने तो क्या, मगर ये पूरा कान ना मेरा छुप जा, अच्छा है, दिखता है। और ये टीका लगाऊं ये, और गले में कुछ ना पहनूं। अच्छा ये भी तो, ये तो फिर हल्के से हैं, ये देखें चांदी के ना, ये भी प्यारे, अलीज़ा कभी पहन लेती है। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, ये मैंने आपको सब दिखाया, तो अब मैं शायद पहन कर देखूँगी तो, और साथ में पर्स में, अच्छा साथ में ये भी है देखें, ये भी गले का है गुलूबन, ये मैंने बनाया था इसके साथ ना, ये टॉप्स थे मेरे, ये देखें ये वाले टॉप्स, ये ऐसा था। और जब ज़्यादा पहनना, प्लेन साड़ी वाड़ी पहनी हो ना, तो फिर इसके साथ ये था, या तो मैं जैसे ये भी पहन सकती हूँ लंबा, ये पहना, ठीक है? और भी ये, तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो लेट्स सी जब मेकअप करके तैयार होकर क्या लगता है। अब ये जोड़ा जो सिलसिला है, तो देखिए ये मैं पहन रही हूँ शादी में, काइंड ऑफ निकाह और रुखसती भी है, तो सही है, ज़रूरी नहीं कि मैंने कोई सिल्क का पहनना है, कुछ भी नहीं, आई थिंक सही है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है। तो मैं ज्वेलरी के साथ और मेकअप के साथ, और फिर ये मैं पर्स लूँगी, डायमंड टीज ये वाला लूँगी मैं, तो मुझे बहुत पसंद है अपना ना, ठीक है ना? जब खाना खाएंगे ना तो ये इसकी है ना, ये ओहो ये, अच्छा ये भी लटका लूँगी, ठीक है ना? और तो और मैं ये भी शेयर करूँ, पता नहीं आप लोग कहेंगे, अब देखिए प्लीज़ कुछ कहेगा नहीं, मेरी शौक है, अगर शौक है अगर मैं उसमें खुश हूँ, मेरा कोई हर्ज नहीं है ना, दिल चाह रहा है कि मैं साथ में आज अपना मोबाइल का केस ये चेंज करूँ, ये जब दिखाया था ना मैंने आप लोगों को जो अमेरिका से, ये देखें, तो मैंने इस जोड़े के साथ चप्पल, जूते, डायमंडीज, पर्स वाला भी पर्स है, मगर थोड़ा सा सॉफ्टर है, मगर मुझे नहीं दिल चाह रहा, मैं दिल चाह रहा है मैं ब्लिंक चमक, ठीक है ये लूँ, ये भी चेंज कर दूँ, और साथ में देखना है कि आया टीका लगाना है या नहीं, बल्कि टीका मैंने ही सबसे कब कौन लगा रहे, तो एक को तो दिल चाह रहा था सादिया का, तो उसके भी मैंने निकाल के रखे हैं टीके, या तो फिर मैं ये पहनूँ, आई थिंक ये जाएगा, है ना? जब मैं अभी मेकअप करूँगी ना, तैयार होंगी तो आप लोगों से पूछूँगी, तो बस ठीक है, अब जो है तैयारी आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर इतना टाइम हुआ तो फिर मैं मेकअप थोड़ा बता दूंगी, क्योंकि फिर टाइम लगता है, मैं बताने बैठती हूँ तो तफसील में आ जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, और फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, और फिर वहाँ जाकर भी लुक दिखाऊंगी, जब आसपास
झिलमिल चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड अच्छा होता है तो ड्रेस और एनहांस होता है। तो चले जी, आप तैयारी पे लग जाते हैं और आप लोग कीजिए इंतज़ार। डन विद द ब्लो ड्रायर, अब बाद में इनको मैं कर्ल्स करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। मैक का ये क्रीम मॉइस्चराइजर है, इस वीडियो में मैं आपके जब बहुत तैयार हो रही होती हूँ तो मैं इतनी डिटेलिंग आपके साथ मेकअप की शेयर नहीं करती, वो मैं प्रॉपर मेकअप सिखाने वाला वो अलग वीडियोज होगी, बहुत जल्द लाऊंगी। तो अभी तो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी, तो आप देख सकते हैं लगाया मैंने इसको। ये मैक का जो है, ये मैक का शेड नंबर 25 और ये 15 है। कंसीलर के आप डार्क आई ये भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें कंसीलर ही देना, कंसीलर तो डार्क को डार्क सील करेगा ना। ये हल्का सा मैं ये लॉरा मर्सियर का मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर विदाउट द शाइनर। मैक का ब्रॉन्जर, ब्लश ऑन मॉर्फी, आईब्रो हल्का सा ये एंगल ब्रश है और मैंने ये बहुत डार्क नहीं थोड़ा सा ये मीडियम शेड मैं बीच में कर रही हूँ आगे। ये आईब्रो किट के अंदर हल्का सा हाईलाइटर तो मैंने ये जरा सा यहाँ दे दिया अभी फिलहाल। Now let's start the eye makeup. ये MAC का किट है, मुझे पता नहीं क्या मेकअप करना है। लेट्स स्टार्ट हल्का सा, आई जस्ट वांट यू नो सिल्वर एंड ग्रेश एट द कॉर्नर्स। ब्रश को वेट किया, बीच में मैं वाइट डाल रही हूँ। दूसरा ब्रश लिया हमें, ये ले हल्का सा ब्लैकिश।
एक मैंने फ्लफी सा राउंड ब्रश लिया है जिससे मैं ब्लेंड करूंगी इसको ऐसे अर्थी टोन से ये ब्लेंड हल्का सा अगेन ब्राउन शेड लिया. अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ऊपर की साइड. Done with the mascara. अंदर मैं काजल दे रही हूँ kind of pencil. ये मॉर्फी का जो केक आईलाइनर है इसी को मैं लाइनर ब्रश से करके और एक हल्का सा दे रही हूँ. मैं करूँगी ऐसे.
सेफोरा का हाइलाइटर, मैं इसको यहाँ लगाऊंगी। ये है ये कौन सी है, ये है मुसर्रत मिसबाह की, आई डोंट नो अप टाउन कर, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं लगाऊंगी, मैं मुझे नहीं पता अभी, मैं मिक्स कर रही हूँ। ये नहीं दूंगी मैं, या तो मैं ब्राइट दूं, हल्का सा ये ब्राउन शेड दे रही हूं। इससे बना रही हूँ, ये क्या है, मेडोरा का घबराहट नहीं है। देखिए जी, अब मैंने लिपस्टिक चेंज कर ली, आउटलाइन पिंक थी, फिर पहले पीच थी, फिर उसमें पिंक डाला, फिर उसमें ब्राउन डाला, तो फाइनली बस सही है। मैं और कुछ नहीं कर रही, आईज आप देख सकते हैं। अब जल्दी से बाल करते हैं। मैंने बॉडी ले दिया था, तो मुझे टीका लगाना है कि मैं बैक को मिलेगी। सो फाइनली आप देख रहे हैं कि तैयार हो चुकी हूँ, और सख्त देर हो गई है, मैं क्या जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा पर्स है, ये आप देख सकते हैं तैयार होते हैं लुक। शूज हमने ये पहने, साइड जाके हैं ये है, हमारे साथ में, कैसे लग रहे हो, हम लोग आपके ब्लॉग में लगेगा जी, यहाँ दिखा दें जरा।
आओ ना वहाँ साथ आओ। बस सर ठीक है, हम आते जाके मिलते हैं। हम एक्टिंग कर रहे हैं। मेरा नंबर लगाएगा तुम कर चुके हो, तुम भी कर चुके हो, तुम भी कर चुके हो। मेरा नंबर कब आएगा? फाइनली यकीन नहीं आ रहा, रिदा की शादी, रिदा की शादी थी। और मैंने जो है आज आज पहना, क्योंकि स्टाइल मैच करा था। ये क्या हुआ सर? लिखा हुआ ये देखिए, ये देखिए। और शुक्र करें कि मैंने क्या था, एक और जूता रखा है गाड़ी के नीचे, पहले का इंतजार कर रही हूँ। तो ऐसे में जब भी आप बहुत अरसे से जूते रखे हुए हो ना, एक्स्ट्रा और जैसे लिखा हुआ खाना नहीं हुआ, दे देने के लिए हालांकि कितने प्लान हो रहे थे लेकिन शुक्र है आईना हमेशा जो रखे हुए जूते हैं जो इतने अरसे से नहीं आपने निकाले हो, तो इट्स अ ब्लेसिंग। अब मैं सचमुच एंजॉय कर सकती हूँ। चलाइए